आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस स्पेशल रेसिपी ड्राई फ्रूट्स प्लम केक। आजकल बाहर का खाना सेफ नहीं है, तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स प्लम केक की रेसिपी घर पे तैयार की है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने इसे कैसे बनाया है, और अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं ड्राई फ्रूट्स प्लम केक। हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हमें एक कप गोल्डन किशमिश, एक कप काला किशमिश, एक कप खजूर, दो कप मिक्स टूटी फ्रूटी और एक कप मिक्स फ्रूट जूस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे अब हम एक घंटे तक भीगने के लिए रख देंगे। मैंने एक प्लेट में 5 लौंग, 1 चक्रफूल, 5 इलायची के दाने और 1 टुकड़ा दालचीनी ले लिया है। अब इन सभी को हमें मिक्सर में पीस लेना है, और इसी के साथ हमें 1 चम्मच जायफल पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सौंफ डालकर हम इसे पीस लेंगे। मसाले पीस के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, और सेम ग्राइंडर में हमें 1 कप शक्कर को भी पीस लेना है। शक्कर भी पीस के तैयार हो गई है, क्योंकि हमें पीसी हुई शक्कर का ही इस्तेमाल करना है। हमने एक बाउल ले लिया है, इसके ऊपर हमें स्ट्रेनर रख लेना है। स्ट्रेनर में हमें 1.5 कप गेहूं का आटा, आप चाहे तो मैदे का आटे का भी यूज कर सकते हैं, 1 छोटा कप कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, आधा टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून मसालों से बनाया हुआ पाउडर डालकर इसे अच्छे से छान लेंगे। सभी चीजों को हमने अच्छे से छान लिया है। अब स्ट्रेनर में हमें शक्कर को भी छान लेना है, और 1 कप मेल्टेड बटर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 घंटा हो गया है। अब हमें भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को स्ट्रेनर से छान लेना है। और इसमें भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेन किया हुआ फ्रूट जूस डाल देना है, क्योंकि हमें बैटर की कंसिस्टेंसी थिक रखनी है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके फ्रूट जूस मिक्स करेंगे इसमें, और 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। अब हमें इसे बेक ट्रे में डाल देना है। ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा लिया है, अब हम इसमें बैटर डाल देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं होगा तो आप ट्रे में ऑयल भी ग्रीस कर सकते हो, और बैटर को हमें ट्रे में अच्छे से फैला लेना है, और इसे हम माइक्रोवेव में 15 से 20 मिनट तक बेक करने के लिए रखेंगे। पंद्रह मिनट हो गए हैं। अब हम माइक्रोवेव को बंद कर देंगे और ट्रे को बाहर निकाल लेना है। और इसमें हम स्टिक डाल के चेक करेंगे। ये देखिए स्टिक इजीली बाहर आ रहा है, इसका मतलब केक हमारा काफी अच्छे से बेक हो गया है। अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। अब हम इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे। हमारा ड्राई फ्रूट्स प्लम केक पूरी तरह से तैयार हो गया है। हमने इसे जेली से डेकोरेट किया है। आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है, और इस क्रिसमस में इसे बनाकर फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। यदि आपको मेरे प्लम केक की रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।